नमस्कार दोस्तों, आज दूसरा दिन तूड़ी भिगोई जा रही है। थोड़ा पानी जो कम रह गया था, ये हमारे सुपरवाइजर हैं अब्दुल जी, ये आज पानी भिगो रहे हैं अच्छे से। और कल इसकी हम पलटाई लगाएंगे पहली, और देखेंगे कि पानी कहाँ कहाँ कम रह गया है, तो वो दोबारा से पानी डाला जाएगा। आज ये सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, अभी थोड़ी गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए लगभग ये भिगोने का काम पूरा होने वाला है। कल जो तूड़ी हमने भिगोई थी, ये इसमें से जो पानी था वो निकल आया है, एक्स्ट्रा पानी जो बाहर निकल आया है उससे हमने, उस पानी को हमने यहाँ पे एक छोटी सी टंकी बनाई है, इसमें वो पानी निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी हम वापस मोटर की मदद से, ये मोटर है इसकी मदद से ये पानी वापस हम इसी भूसे के ढेर में डाल रहे हैं। अब ये अच्छे से पैरों से दबा भी रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, ताकि तूड़ी है जो वो जो भूसा है वो अच्छे से भीग जाए। उधर हमारा, आप अगर पीछे देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो शेड है उसका काम चल रहा है, और आज होपफुली ये तूड़ी अच्छे से भीग जाएगी, तो कल हम इसमें पहली पलटाई लगा के इसके ढेर लगाएंगे, जो कि 5-5 फीट ऊँचे होंगे। अभी इसमें सिर्फ पानी इसलिए डाला जा रहा है ताकि हमें बाद में पानी कम डालना पड़े। कल हम इसमें जो अन्य खादें हैं, जैसे जिप्सम है, यूरिया है, चोकर है, मुर्गी की खाद है, वो कम कल हम इस ढेर में मिलाएंगे। अभी चैम्बर का काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ हमारा एक मशीन है जो थोड़ा सा डिले है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो नहीं तो हम आज उसको भी भिगो लेते। तो आप दूसरी साइड देख रहे हैं, जो कि अभी भूसा हमने भिगोया नहीं है। ये जो भूसा हम भिगो रहे हैं, ये हमारा कच्ची खाद के लिए है, और इसकी पलटाई के लिए हमें और इसको तैयार करने में 40 दिन लगेंगे। तो मिलते हैं फिर कल दोस्तों।